नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला एम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया के शीर्ष पर्वतों में से एक माउंट एवरेस्ट पर भी पहुंच गया है। हाल में नॉर्वे के एक पर्वतारोही अर्लेंड नेस में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इस खबर के बाद से नेपाल की बंपर पर्वतारोहियों के आने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। नेपाल ने इलाज की मुश्किलों के बावजूद ज्यादा से ज्यादा पर्वतारोहियों को आकर्षित करने के लिए क्वारंटाइन नियमों में ढील दी गई थी। भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से लेकर महाराष्ट्र के बीच गुरुवार को पहली बार दौड़ी। गुरुवार देर शाम आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय इस्पात निगम से ऑक्सीजन टैंकर्स लेकर निकली। महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में रेलवे ने स्टील प्लांट से देश के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुँचाने का फैसला किया है। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रही है। कई अस्पतालों में कुछ घंटे का ऑक्सीजन स्टॉक बचा है, जबकि कुछ जगह पर अंतिम वक्त में ऑक्सीजन पहुंचा है। दिल्ली के कई अस्पतालों द्वारा सरकार के सामने जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाने की गुहार लगाई जा रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्रों से गुहार लगाई है। केंद्र ने कोटा भी बढ़ा दिया है, लेकिन हालात बदतर ही होते जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई में भी वक्त लग रहा है और दिल्ली के कुछ अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई की मांग के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं सप्लाई में परेशानी हो रही है। इस महासंकट के बीच अब वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एयरफोर्स अब ऑक्सीजन कंटेनर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में जुट गई है। भारतीय वायुसेना के दो विमानों ने दो बड़े ऑक्सीजन कंटेनर्स और एक खाली कंटेनर को बंगाल के पन्नागढ़ पहुँचाया। इस कंटेनर्स को ऑक्सीजन में भरकर दिल्ली लाया जाएगा और वायुसेना की ओर से ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार शाम 5 बजे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज कोरोना संबंधी हाई लेवल रिव्यू बैठकें कर रहे हैं, इस वजह से रैलियां रद्द कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि प्रधानमंत्री शुक्रवार को शाम 5 बजे पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को डिजिटल तरीके से संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने राज्य का दौरा भी स्थगित कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हुआ है। दानापुर के पीपा पुल से एक सवारी गाड़ी के गंगा नदी में गिर जाने से कई लोग लापता हो गए हैं। अभी तक 8 शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन में 25 लोग सवार थे। प्रशासन की तरफ से बचाव दल मौके पर पहुंचा हुआ है। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर जारी है। वहीं से नियंत्रित करने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी टीम एक्शन मोड में है। इसे लेकर सीएम लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी क्रम में कोरोना अस्पतालों में टेस्टिंग सुविधाएं, ऑक्सीजन प्लांट और पाइपलाइन आदि के लिए 80 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बता दें कि इस धनराशि से 24 मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना से संबंधित सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक में निर्णय लिया कि बची हुई परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है। सामंत ने कहा है कि राज्य के सभी 13 गैर कृषि विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बारे में सांसद ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। मनोज तिवारी के कोरोना संक्रमित होने की खबर फैलते ही उनके चाहने वाले चिंतित हो गए हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट में कहा है कि पिछले 2-3 दिनों से वे हल्का फीवर महसूस कर रहे थे तो टेस्ट करवाया, इसमें कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने अपने संपर्क में लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है। राजधानी शिमला भी तर बतर है। यहाँ 24 घंटों के दौरान बारिश ने 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 24 घंटों के दौरान शिमला में 83 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और इसके अलावा कुल्लू में भी जमकर बादल बरसे। बर्फबारी बारिश के चलते सूबे में 178 सड़कें और 2 हाईवे बंद है। समाचारों का सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।